Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. Today we start the linked list, okay? So, but before we do the linked list, we need some tools so that we can do the linked list properly, right? It's very simple. Linked list is just simple, kind of a game. Only thing you need to understand how they link, how they do things. That's very simple. But firstly, why we need linked list? The question is why we need linked list. Because हमारे पास जो linked list आप कह रहे हो, हमारे पास arrays तो थी. We had Exactly. arrays. We had what? Arrays. तो अगर हमारे पास arrays है, why we need linked list? That's the question to be asked. Because जी arrays सर. में क्या होता था कि फर्ज कीजिए आपने 100 की array खड़ी कर दी, ठीक है, और आपके पास आ गए दो बच्चे खाली, ठीक है, जैसे कि इस बैच में हो रहा है, ओनली टू ओके किड्स, सर, वेयर ओनली टू किड्स हियर. अगर मैंने अरेंजमेंट रखा होता क्लास में दो बच्चों के लिए और दो ही बच्चे आते, तो बाकी 98 जो सीट्स हैं वो क्या हो जाती, जाया. सजाया. अब फर्ज कीजिए मेरे पास 100 है, लेकिन मुझको आ गया 101, 102, 110, 200, है मतलब 100 से ज्यादा आ गए बच्चे, तो उनको कैपेसिटी नहीं है इसमें घुसाने की, तो है ही नहीं, तो मुझे डिस्कार्ड करनी पड़ेगी, नई एरे खड़ी करनी पड़ेगी ऑफ बिगर साइज एंड सो ऑन, ठीक है ना. तो क्योंकि जो हमारी जो एरे होती है ये स्टैटिक होती है, इसलिए मैंने कहा जी आपको सर. ये एरे पॉइंटर भी है, स्टैटिक पॉइंटर एक तो वो चीज़ है, लेकिन एरे भी स्टैटिक है कि आपने इस एरे को खड़ा किया हुआ है, तो ये क्या को ये जो इंक्रीमेंट एरे है, डिक्रीमेंट नहीं कर सकते. अब इसमें साइज का इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते. तो अब दूसरा चीज है कि हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से करेंगे साइज एलोकेट. तो एक बेटर चीज हमारे पास है कि हम क्यों ना जब भी मुझे कोई चीज जरूरत है, जैसे एरेज में एक चीज भी ये था कि एरे इज लिमिटेड. फॉर एग्जाम्पल मुझे रिकॉर्ड चाहिए पूरे स्टूडेंट का, मुझे रिकॉर्ड चाहिए किसका, पूरे स्टूडेंट का, स्टूडेंट उसमें का उसका नेम आएगा, उसका रोल नंबर आएगा, उसका एड्रेस, एंड देयर कुड बी हंड्रेड्स ऑफ फील्ड्स, ठीक है ना. तो जी सर. उसके लिए सी ने हमारे पास दिया है एक चीज, व्हाट इज कॉल्ड एज ए स्ट्रक्चर, कि मैं स्ट्रक्चर स्टूडेंट का खड़ा करूंगा और उसमें मैं वो सारी चीजें रखूंगा, जैसे कैरेक्टर नेम हुआ इसका से ऑफ साइज 20 और 40 में भी, इसी तरीके से इंटीजर रोल नंबर, फ्लोट फी, और मैं वो सारी चीजें लूंगा. लेकिन जब मैं ये क्रिएट करूंगा, ये एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट होगा, है ना. नाउ आई कैन जी क्रिएट एन सर. एरे ऑफ स्ट्रक्चर. नाउ आई कैन क्रिएट द एरे ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें वही मसला है कि अगर मैंने एरे में 100 स्टूडेंट कर दिया या 200 स्टूडेंट कर दिया, अगर उससे ज्यादा स्टूडेंट मुझे आते हैं, तो उस एरे ऑफ स्ट्रक्चर में भी मुझे जगह नहीं, ठीक है ना. आई डोंट हैव अ स्पेस फॉर दैट, जी क्योंकि सर. मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया जिसमें वो सारी चीजें थी, ठीक है, अब मैंने इसी की एरे बनाई, ये पहला स्ट्रक्चर है जिसमें वो सारी चीजें हैं, ये दूसरा ब्लॉक है एरे का, ये तीसरा ब्लॉक है. अब ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स है, एरे किसका है, स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर्स का. का. अभी सिर्फ एक ब्लॉक नहीं है, इसमें मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, वो सारी चीजें हैं जो स्ट्रक्चर के अंदर स्टूडेंट की हैं. लेकिन कितनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 100 खड़ी कर दी, अब अगर मेरे को 101 स्टूडेंट आया, 200 स्टूडेंट्स आए, तो उसमें पंगा होगा, तो मुझे ये डिस्कार्ड करके नई बड़ी एरे बनानी पड़ेगी, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना. जी. तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास लिंक्ड लिस्ट आया. लिंक्ड लिस्ट ने बोला कि आप मेमोरी पहले खड़ी मत करो, डायनेमिकली करो. क्या करो, सो डायनेमिकली. नाउ वी हैव अ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, यानी कि आप स्टैटिक मेमोरी मत दो, पहले ही आप 100 की एरे खड़ी कर दी आपने, यानी कि 100 स्टूडेंट का हिसाब किताब रखा. मुमकिन है आपके पास दो ही बच्चे आ गए, मुमकिन है आपके पास 100 बच्चे आ गए, 100 से ज्यादा बच्चे आ गए, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि स्टूडेंट आ गया, खड़ा कर दो नोड, जो जो स्ट्रक्चर आपकी जिसमें वो सारी चीजें थी ना, नेम, रोल नंबर, एज वगैरह जो भी था, वो जो स्ट्रक्चर आपने खड़ा किया था, स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर आप बना लो उसी वक्त जिस वक्त आता है स्टूडेंट, ठीक है. अब दूसरा स्टूडेंट आ गया, तो उसी वक्त आप दूसरा नोड खड़ा करो. मगर एरे में आपको एक चीज थी कि सिंपलिसिटी थी, कि इट वाज कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन. वाज कॉन्टिग्यूअस कॉन्टिग्यूअस में का मतलब क्या है, एवरीवन
उसके साथ लिंक्ड होता था एक ब्लॉक, बाउंड्री, बाउंड्री कॉमन, स्टॉप बाउंड्री बाउंड्री कॉमन, सेम जी यानी कि मुझे सर। पता था कि अगर पहला स्टूडेंट यहाँ है तो दूसरा उसके बाद ही है। अगर इसका एड्रेस 100 है तो फर्ज कीजिए इसका इसका साइज वन है, फोर है, तो 104 104 पे दूसरा मुझे पता था, मुझे करने की जरूरत नहीं नहीं, थी। मुझे खाली इंडेक्स ढूंढना था, जैसे 01 और इसको इंट्रिंसिकली मल्टीप्लाई 4 में करता खुद ही, वो खुद निकलता। जैसे अगर ये 100 इंटू 0, ठीक है, 100 प्लस 0 इंटू 4, दिस इज देन 100 प्लस 1 इंटू 4, बिकॉज इसका इंडेक्स 1 है ना, तो इसका जीरो, इसका एड्रेस निकलता 100 प्लस 0 इंटू 4, वो तो 0 निकला, 0 प्लस 100 इज 100। इसके लिए जो निकलता 100, जो बेस एड्रेस है, जो एरे को पता है ना बेस एड्रेस फर्स्ट, तो उसको निकलता इंटू 1 प्लस 4, 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 इज 4, 4 प्लस 100 इज 400, तो सॉरी 4 प्लस 100 इज 104। अब 104 पे मेरा दूसरा बंदा है, ये तो पता ही है, लिंक्ड जी सर, लिस्ट में नहीं पता। लिंक्ड लिस्ट में नहीं पता आपने एक मेमोरी खड़ी कर दी, वो हो गई, अब जब दूसरी मेमोरी आप खड़ी करोगे उसका भी कुछ एड्रेस होगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें एड्रेस था फॉर एग्जाम्पल 100, और ये 500 लोकेशन पे आ गया ये दूसरा बंदा, ठीक है, तो अब मुझे नहीं पता ना दूसरा किधर है, तो इसलिए इस लिंक्ड लिस्ट को एक पार्ट डेटा के साथ साथ, ये डेटा पार्ट है, इसको इस डेटा के साथ साथ एक लिंक पार्ट भी होना चाहिए जिसमें हम ये एड्रेस रखेंगे 500, सो दैट इट कैन लिंक टू दिस नेक्स्ट नोड, ठीक जी सर, है ना। तो ये लिंक हमें करना पड़ेगा, ये लिंक हमें करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा जो लिंक्ड लिस्ट मेरे पास होगा, जो उसमें पहला नोड होगा, द नोड विल बी विच इज हैविंग द डेटा, ओके, डेटा में जो आपकी मर्जी है वो रख लो, क्योंकि ये स्ट्रक्चर होगा जिसमें जो मर्जी आप रख लो, उसका नेम है, एज है, क्या क्या है, वो सारी रख लो आप। और लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज रखो, लिंक, क्योंकि लिंक ऑफ एरे में नेक्स्ट मुझे नोड लिंक रखने की जरूरत नहीं थी। नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं ढूंढना है, मुझे ढूंढना है इस आपको ढूंढना है मुझे, अब फॉर एग्जाम्पल आप मेरे शोल्डर से शोल्डर लगा के, तो मुझे ढूंढने की जरूरत है, मुझे पता मेरे पास हुई है, जी सर, लेकिन लिंक्ड लिस्ट में पता नहीं है। लिंक लिस्ट जी में सर, ये रैम नहीं है, एक चीज यहाँ पे है, दूसरी चीज यहाँ आ गई, तीसरी चीज यहाँ आ गई, चौथी चीज इधर भी आ सकती है, ये 1 है, ये 2 जी है, ये सर, 3 है, ये 4 है। फर्ज कीजिए यहाँ पे पहले कोई सॉफ्टवेयर था जी रैम सर, में, अब जगह यहाँ मिली इसको तो यहाँ नोड बनाया, फिर जगह यहाँ मिली तो यहाँ बनाया, अब ये वाला सॉफ्टवेयर आपने अनइंस्टॉल किया या आपने वो एग्जिट किया उस प्रोग्राम को जो आप कर रहे थे, फर्ज कीजिए ये वर्ड प्रोग्राम था, अब यहाँ जगह खाली होगी ना, तो चौथा नोड इधर आके आ गया, फिर जब यहाँ खाली जगह आ गई तो चौथा नोड यहाँ भी हो सकता है ना। सो जी पहला नोड यहाँ पे था, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा अब यहाँ पे आ गया, इससे आगे ही आ गया, लेकिन इस 1 के साथ लिंक होगा 2, 2 के साथ लिंक होगा 3, 3 के साथ लिंक होगा 4, फोर सिंपल सी बात है। तो एरे के अंदर मुझे लिंक करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज आई नो द सेकंड एलिमेंट इज व्हाट, या सर, द वो सेकंड एलिमेंट दूसरा एलिमेंट इज द हमें पता सेकंड, था बिकॉज द जी सर, कॉन्टिग्यूस। लेकिन इसमें एग्जैक्टली जो भी डेटा आपको रखना है आप रख लें, लेकिन डेटा के साथ साथ एक लिंक पार्ट भी होगा लिंक मतलब जो कि पॉइंटर सेकंड होगा, नोड दिस विल बी द पॉइंटर, दिस विल बी व्हाट द पॉइंटर, बिकॉज पॉइंटर, इट हैज टू स्टोर व्हाट, पॉइंटर इट हैज टू स्टोर द एड्रेस, एड्रेस एड्रेस ऑफ होम ऑफ अ सेम नेक्स्ट नोड, नोड द नोड ऑफ द सेम डेटा टाइप व्हिच इज ऑफ द फर्स्ट नोड, जिसका जो फर्स्ट नोड का डेटा टाइप है वही सेकंड नोड का भी डेटा टाइप है इसका, इसलिए ये जो बंदा होगा, ये जो लिंक पार्ट होगा, इसका डेटा टाइप भी सेम होगा जो इस सब का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कैरेक्टर है सी एच, और मैंने एक एस्ट्रिक पी पॉइंटर बनाया ऑफ टाइप कैरेक्टर, अब पी जो है ये कैरेक्टर पॉइंटर है ना, तो पी जो है वो एड्रेस ले सकता है कैरेक्टर का ही, जैसे सी एच है, अगर मेरे पास है इंट, इंट ए एक वेरिएबल है इंट ए, और मैंने एक एस्ट्रिक पीटीआर बना दिया, लेकिन एस्ट्रिक पीटीआर किस टाइप का बनाया मैंने, कैरेक्टर इंटीजर पीटीआर, पीटीआर बना मैंने का, इंट, सो इट कैन हैव द एड्रेस ऑफ द इंटीजर इंटीजर टाइप ओनली, इट कांट हैव द एड्रेस जी ऑफ सम सर, फ्लोटिंग पॉइंट एट ऑल। अगर मेरे पास एक फ्लोट है और एफ है और एक एस्ट्रिक पीटी बनाया मैंने, दिस एस्ट्रिक पीटी इज ऑफ टाइप व्हाट, फ्लो टाइप सो दैट मींस इट कैन होल्ड पीटी, दिस पीटी कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट टाइप,
दिस पी टी आर या कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ द इंटीजर टाइप्स, दिस इंटीजर। पी यस दिस सर, पी कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ द कैरेक्टर टाइप्स, सिमिलरली दिस करेक्ट। लिंक, सिमिलरली दिस लिंक कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ समथिंग विच इज नोड, जो भी इसका डेटा टाइप है। इसका डेटा टाइप क्या है मुझे अभी नहीं पता, मैं अभी पता पूछूंगा, वो अभी इस पे काम करेंगे। इसका डेटा टाइप है क्या, जो भी इसका डेटा टाइप है, फर्ज किसका, इसका डेटा टाइप ए बी सी है। अगर इसका डेटा टाइप क्या है, तो एबीसी इस लिंक पार्ट का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, लिंक पार्ट का एबीसी। डेटा टाइप ये एबीसी। सी होना चाहिए। देखिए मैं कह रहा हूं, अगर पीटीआर पॉइंट करेगा टू द इंटीजर टाइप, ओके, उसका मतलब है कि अगर इसमें हम डालना, अगर पीटीआर पॉइंट कर रहा है किसी इंटीजर को, तो उसका मतलब है पीटीआर का खुद का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर इंटीजर। ही होना चाहिए। अगर जी एक सर, पॉइंटर पॉइंट कर रहा है इंसान को, तो उसका डेटा टाइप भी इंसान ही होना चाहिए ना। तो अगर ये एफ जो है, अगर ये पीटी जो पॉइंट कर रहा है किसी ऐसे वेरिएबल को जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स हैं, दैट मींस दिस पीटी शुड बी ऑफ डेटा टाइप फ्लोट। जी सिमिलरली दिस सर, पी, इफ दिस पी इज ऑफ डेटा टाइप कैरेक्टर, दैट मींस इट कैन होल्ड होल्ड द कैरेक्टर वैल्यू, एड्रेस ऑफ द कैरेक्टर वेरिएबल। जी सर, सिमिलरली इफ दिस लिंक पार्ट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ दिस नोड, आई नीड टू सी व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ दिस नोड, और मुझे उसी, अगर वो एबीसी है, तो ये लिंक पार्ट जो मेरा है, इसका डेटा टाइप होगा वही एबीसी। ठीक जी सर, है ना। तो पहला काम जो है इसमें लिंक्ड लिस्ट को करने से पहले, अरे ये तो जनरल आइडिया हो गया, लिंक्ड लिस्ट को करने से पहले मुझे स्ट्रक्चर समझना है और पॉइंटर समझना है। ठीक है, क्या समझना है, पॉइंटर। पॉइंटर और स्ट्रक्चर। यस, आई नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट स्ट्रक्चर, देन आई नीड टू अंडरस्टैंड ए पॉइंटर। ये दिख रहा है आपको, ये स्क्रीन, जी सर, ठीक है। स्ट्रक्चर सिंपल है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि एक एरे जो है वो एक एक वेरिएबल ले रही है, जैसे इंट, इंटीजर एरे मैंने कर दी, तो उसमें सारे रोल नंबर्स आएंगे ना। अब मुझे नाम भी चाहिए, रोल नंबर भी चाहिए, एड्रेस भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए, तो मेरे को एक स्ट्रक्चर जो हमें खड़ा करके देना है। क्या करना है, स्ट्रक्चर। तो वी हैव इन सी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, वी यूज टू कॉल इट एज अ स्ट्रक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्ट्रक्चर, इसका नाम रखा स्टूडेंट, ओके। स्ट्रक्चर, अब इसमें मैं वो सारा डेटा दूंगा, मैं स्ट्रक्चर में वो सारा डेटा दूंगा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल इसका कैरेक्टर नेम है, ठीक है, ऑफ साइज से फॉर एग्जाम्पल 20 या ज्यादा रखें आप, लंबा नाम हो गया, जैसे केरला वालों को होता है चत्तुकुडिमंड, तो उनका बड़ा लंबा नाम होता है, वो पहुंचेगा नहीं इसमें। तो इंट इसका रोल नंबर है, ठीक है ना, जी सर, इसका फी भी हो सकता है, इसका एड्रेस, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसमें। जो भी आपको स्टूडेंट का डेटा लेना है वो सारा रख सकते हैं इसमें। अब समझाने के लिए मैं सिर्फ दो चीजें ले रहा हूँ, नेम और रोल नंबर, ठीक है ना। तो अगर हमारे एरे ऐसे, इससे पहले अगर हमारे एरे होती, तो जनाब वो एरे जो होती वो या तो इंटीजर टाइप होती या तो कैरेक्टर टाइप होती। अगर कैरेक्टर टाइप है एरे, तो उसमें हर बॉक्स में नाम पूछ सकते हैं, ओनली नाम, ओनली नाम, है ना। तो रोल नंबर के लिए जी मुझे सर, अलग एक जी एरे सर, चाहिए होगी जिसमें खाली रोल नंबर है। तो मुझे लेकिन ऐसा डेटा टाइप चाहिए जिसमें सारा स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा, इसलिए मेरे को स्ट्रक्चर चाहिए। क्या चाहिए, द कीवर्ड इज स्ट्रक्ट। स्ट्रक्चर। स्ट्रक्ट मैंने नाम रखा स्टूडेंट, और उसके बाद जितने भी चीजें आप उसमें डालोगे, तो जब भी मैं इसका वेरिएबल खड़ा करूंगा, जैसे मेरे पास इंट ए है, ए इज ऑफ टाइप इंट, यानी कि जो इंट वादा करता है आपसे कि आपको 4 बाइट्स देगा, तो ए ऑफ टाइप इंट बोलने से आपको ए के लिए 4 बाइट्स रिजर्व हो गई, ठीक है। इसी तरीके से ये मैंने खुद का आप डेटा टाइप बनाया, जिस तरह इंट है, कैर है, अब स्ट्रक्ट मैंने खुद का डेटा टाइप बनाया, और इसमें अभी फिलहाल मेरे पास 40 बाइट्स नाम के लिए है, या 40 ब्लॉक्स हैं इसके लिए नेम के लिए, और रोल नंबर के लिए इंटीजर। तो इंटीरियर। जितनी भी ये मेमोरी बनती है उतने का एक ब्लॉक बनेगा मुझे, उसमें वो सारा पहुंचेगा, ठीक है ना। जी बात समझ। सर, तो अगर मैं ऑफ टाइप स्टूडेंट, इसका नाम अब स्टूडेंट पड़ गया, इसका एस वेरिएबल बनाता हूं मैं, एस, जिस तरह मैंने ए बनाया ऑफ टाइप इंट, तो जो इंट मेमोरी वादा करता है आपसे इतनी होगी वो ए को मिलेगी। अब इसी तरह से स्टूडेंट टाइप मैंने बनाया S1, जितना भी मेमोरी स्टूडेंट यहाँ पे बता रहा है आपको, डिक्लेयर कर रहा है, जब आपने S1 किया तो
तो वो सारी मेमोरी इस S1 को मिल जाएगी, यानी S1 विल पॉइंट टू दैट मेमोरी। ये है, उसमें नाम है और रोल नंबर है ना, नेम के रोल जी हिसाब है, और सर, S1 इज पॉइंटिंग टू दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर और भी चीजें होती वो और भी चीजें आपको मिल जाती है जब S1 क्रिएट करते हैं। नहीं, खाली स्ट्रक्चर बोलने से आपको, अगर आप खाली स्ट्रक्चर बोलते हो तो इससे मेमोरी जो है वो मिलेगी नहीं आपको, ये मेमोरी आपको मिलेगी नहीं जब तक कि आप इसका कोई वेरिएबल ना बनाओ। जैसे S1 मैंने बनाया, जो ही मैंने S1 बनाया इसके लिए, जो ही मैंने S1 बनाया इसको, वो स्ट्रक्चर में जितनी भी मेमोरी है वो एलोकेट हो जाएगी, जितनी मेमोरी होगी वो सारी एलोकेट हो जाएगी, एंड S1 विल पॉइंट टू दिस। नाउ फॉर एग्जाम्पल, मेरे स्ट्रक्चर में कितनी चीजें हैं? दो चीजें हैं, नेम है, दो कैरेक्टर एक तो नेम है, एक रोल तो रोल नंबर है। ठीक है ना, अब अगर मुझको नाम चाहिए नंबर। और मेरे को रोल नंबर चाहिए, इट इज लाइक कि मेरे पास एक BCA क्लास है और अंदर सारे अब स्टूडेंट बैठे हैं। ठीक है, अब अगर मेरे को आमिर चाहिए, मैं कहूंगा BCA डॉट आमिर। अब मेरे को डॉट ऑपरेटर चाहिए, इफ आई हैव टू गेट द नेम एस एस से S1 डॉट नेम, तो ये नेम S1 जो है इज पॉइंटिंग उसमें टुवर्ड्स एड्रेस दिस। है, से फॉर उसमें एड्रेस है 100, जहां पे बेस एड्रेस है स्ट्रक्चर का, लेकिन वो तो अंदर बैठा है ना, नेम तो अंदर बैठा है ना इसके एरे के, इस स्ट्रक्चर के नेम तो अंदर है, रोल नंबर उसके अंदर है। तो मुझे फर्ज कीजिए नेम किसी लोकेशन पे है और रोल नंबर से फॉर एग्जाम्पल 42 पे है, रोल नंबर 42 पे है इस मेमोरी लोकेशन में, लेकिन मेरे पास 142 पे है, लेकिन S1 में जो एड्रेस है वो 100 है ओनली। S1 में क्या है एड्रेस? तो जैसे एरे आपकी होती थी, तो उसमें पहला एलिमेंट यहाँ है, दूसरा एलिमेंट यहाँ है, तीसरा एलिमेंट यहाँ है। अब अगर मेरे को तीसरा एलिमेंट चाहिए 012, मेरे को ये एलिमेंट चाहिए, तो मेरे को पहले बेस एड्रेस चाहिए, उसके बाद यहाँ से मैं इसका कैलकुलेट करूंगा। सो आई कुड से लाइक दिस ए आर ऑफ 2, खाली डायरेक्ट ए आर तो नहीं बोल सकता ना, ऐसे एयर ऑफ 2 टू गेट द एड्रेस ऑफ दिस लोकेशन। इसी तरीके से स्ट्रक्चर के अंदर जब मेरे को कोई स्ट्रक्चर का अंदर वाला डेटा टाइप एक्सेस करना है, आई हैव टू यूज डॉट, आई हैव टू यूज व्हाट, एस वन डॉट डॉट नेम, S1 डॉट रोल नंबर। ठीक है ना, जी समझ आ रहा है? सर, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट जी कैरेक्टर नेम 40 रोल नंबर हो गया। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ भाई साहब, मैं पहले यहाँ पे टर्मिनेटर चाहिए हमारे पास, क्योंकि स्ट्रक्चर का ये सिंटेक्स टर्मिनेटर चाहिए होगा। अब मुझे इस स्ट्रक्चर का पहले एक वेरिएबल बनाना है, क्योंकि ये मेमोरी जितनी भी है ये एलोकेट नहीं है अभी, खाली इंट बोलने से, अगर आप इंट नहीं कहोगे तो क्या इंट से कोई मेमोरी मिलेगी? जब तक कि आप उसका वेरिएबल नहीं बनाओगे, ए बी सी कुछ, जी नहीं सर, खाली इंट बोलने से होगी मेमोरी ना अगर मिलेगी ये खाली लिखेगा। नो ए? सर, नो सर, इसी तरीके से खाली स्ट्रक्चर खड़ा करने से कोई मेमोरी नहीं मिलती। ये हम क्या कहते हैं कि अगर आप, हमने इंट जो है सी में अंदर से डिक्लेयर किया हुआ है कि अगर कल को कोई इंट टाइप वेरिएबल बनाएगा उसके भाई साहब इतनी मेमोरी देना। इसी तरीके से अब स्टूडेंट है, वो मैंने खुद का डेटा टाइप बनाया, क्योंकि सी को नहीं ना पता कि आपको जरूरत क्या है, स्टूडेंट में क्या क्या रखना, आपका सॉफ्टवेयर जो है उसमें क्या क्या रखना चाह रहे हो स्टूडेंट के लिए, सी को कहाँ पता है वो। तो सी ने इसलिए कंट्रोल दिया है आपको कि आप खुद का अपना डेटा टाइप बना सकते हो यूजिंग द स्ट्रक्ट, जिसमें आपने वो तमाम चीजें रखी जो आपको जरूरत है। तो कल को जाके आपको उसी डेटा टाइप का जो स्ट्रक्ट आपने बनाया स्टूडेंट, अब ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट है क्या, ये डेटा टाइप है, बात में आई? जैसे इंट डेटा टाइप था, जैसे जी कैरेक्टर था, जैसे फ्लोट था, इसी तरीके से स्ट्रक्ट स्टूडेंट आपका डेटा टाइप है भाई साहब, बात में आई? ठीक अच्छा, है ना, जैसे इंट डेटा एग्जैक्टली। टाइप पे वैसे स्टूडेंट है। तो जिस तरीके से इंट बोलने किसी वेरिएबल आप खड़ा करके आपको 4 बाइट्स मिलती है, ठीक है ओके, इसी तरीके से स्ट्रक्ट स्टूडेंट बोलने से अगर आप S1 या ए ही नाम दो, जो भी मर्जी है वेरिएबल का नाम दो, ठीक है, इस हाँ S1 को वो तमाम चीजें मिलेंगी जो स्ट्रक्ट स्टूडेंट प्रॉमिस करता है आपको। ठीक है, अब जाके S1 को वो सारी चीजें मिलेंगी, बात समझ आई? तो जी सर, पहले खाली स्ट्रक्ट स्टूडेंट बोलने से कुछ नहीं मिला था, ठीक है ना, स्ट्रक्ट स्टूडेंट से सिर्फ मैंने डेटा टाइप खड़ा किया कि कल को अगर, जैसे जिसने सी बनाया था उसने इंट खड़ा किया कि कल को अगर इंट टाइप आपने ए बनाया, ठीक है, तो भाई साहब आपको क्या मिलेगा, 4 बाइट्स फॉर एग्जाम्पल। एग्जैक्टली।
वो उसका वो कोड लिखा है ना बंदे ने कहीं पीछे से, उसने वो डेटा टाइप इंट खड़ा किया है ना कहीं पे। जी सर, अब आपने उसमें ठीक आप, है। आपको कंट्रोल दिया कि आप अपना डेटा टाइप बनाओ, क्योंकि मेरे को एम्प्लॉय का डेटाबेस बनाना है, तो मुझे एम्प्लॉय का क्या क्या चाहिए मैं स्ट्रक्चर में रखूंगा, इस स्ट्रक्चर में रखूंगा मैं वो सारी चीजें जो मुझे एम्प्लॉय की जरूरत है या स्टूडेंट की जरूरत है। तो कल को अगर मैं इस स्टूडेंट टाइप, अभी खुद का डेटा टाइप बन गया, अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बन गया, अब मैं इस स्टूडेंट का एक वेरिएबल खड़ा करता हूँ S1। नाउ S1 विल हैव ऑल दैट मेमोरी व्हिच दिस स्ट्रक्ट स्टूडेंट हैज डिक्लेयर, ठीक है ना। अब जो जी भी सर, इसमें है, मानो इसमें 10-15 एरेज हैं वगैरह वगैरह, मानो ये 1000 बाइट्स बन जाती हैं, वो सारी की सारी बाइट्स अब इस S1 को मिल जाएगी। और उसमें जो सारी चीजें हैं, जैसे इसमें नेम है, रोल नंबर है, इनको अगर एक्सेस करना है, वी कॉन्ट एक्सेस देम S1 डायरेक्टली, से हैव टू एक्सेस देम यूजिंग S1, S1 डॉट दैट टू विद द डॉट ऑपरेटर, S1 डॉट नेम, S1 डॉट रोल ऑपरेटर। नंबर। डज इट मेक सेंस? जैसे फॉर यस सर, एग्जाम्पल, मैं इसमें भरना चाहता हूँ नाम, आई कुड से पुट अस एंटर नेम, एंटर, अच्छा। मैंने पुट अस के एंटर नेम, और गेट अस, आई कैन गेट अस द स्ट्रिंग्स, तो गेट अस से भी कर सकते हैं ना। अब किस में डालूंगा मैं, मुझे नेम में डालना है, कैसे डालूंगा नेम में स्ट्रिंग, गेट अस से पूरी एक स्ट्रिंग आ जाएगी, वो हम डाल सकते हैं इस एरे के अंदर, नेम के अंदर। सर पुट्स एंड गेट्स वो ये है, डेटा टाइप है। अच्छा, नहीं, ये प्रिंट एफ स्कैन एफ की तरह है, प्रिंट एफ ये स्कैन एफ है ना, फंक्शन। प्रिंट एफ करता है ओके ना सर, प्रिंट, और स्कैन एफ करता है स्कैन। अब पुट एस गेट एस में शॉर्ट से हम लिख सकते हैं, ये तो पता ही है, सी में ही ओके चीज नहीं, मैं एंटर नेम में कह रहा हूँ, पुट एस यानी कि प्रिंट एफ प्रिंट आ जाएगा, एंटर नेम। अब मुझे डालना सर, है इस नेम में, इस नेम को मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ बताओ। बाय S1 ऑपरेटर, M% ऑफ S1। आई कुड से ड्रॉप इट इनटू S1 डॉट नेम, ठीक डॉट नेम, जी सर। है ना। अब डॉट बोलना जरूरी है अच्छा, आप डॉट बोलना जरूरी है। ना। जी सर, यस सर, डॉट क्यों बोलना जरूरी है बताओ। आपने एंटर बोला नेम ना बता अभी रहा है, उसको जुनैद बता रहा हूं मैं, तो ये जुनैद किधर एक्सेस जाएगा, करने के। सर अगर ये जुनैद इसने की गया, दुकान ये किस में जाएगा, ये सर, ये जुनैद, नहीं सर, ये जाएगा S1 के नेम में। एग्जैक्टली, इफ आई कैन से पुट S1 डॉट नेम, भाई साहब आप S1 डॉट नेम दे दो, ठीक है। तो ये जी वापस देना चाहिए ना, नाम एंटर नेम, मैंने कहा जुनैद, ये वापस दे रहा है जुनैद जो S1 डॉट नेम में है, ठीक है ना। इसी जी तरीके से मैं सर, रोल नंबर भी दे सकता हूँ, यस सर, अगर आप रोल नंबर देना चाहते हो, मैं कहूँगा भाई साहब, जैसे पुटस से अगर आप प्रॉब्लम हो रही, तो पुट प्रिंट अस एफ होगा, एंटर रोल नंबर, हाँ, प्रिंट एफ बैक स्लैश एन एंटर रोल नंबर, गेट अस S1 रोल नंबर, डॉट S1 डॉट स्ट्रिंग के रोल साथ लगेगा नंबर। ना, रोल नंबर से थोड़ी लगेगा, ओके सॉरी सर। वो लगेगा स्ट्रिंग के साथ, ये तो क्या, जो रोल नंबर है वो इंटीजर है। आई विल पुट इट इनटू स्कैन एफ परसेंटेज डी डबल को क्लोज कॉमा एम्परसेंड ऑफ, किसमें डालूंगा बताओ, S1 S1, डॉट रोल नंबर। एग्जैक्टली, क्यों डायरेक्ट रोल नंबर नहीं बोल सकते ना, डायरेक्ट रोल नंबर क्योंकि ये स्ट्रक्चर के अंदर है ना, तो अगर डायरेक्ट रोल नंबर बोलेंगे तो जी किधर है रोल नंबर, S1 डॉट रोल नंबर बोलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैं सर, तो प्रिंट भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। पहले मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे मैं करूँगा, पहले नेम प्रिंट करूँगा, उसके बाद मैं प्रिंट एफ करूँगा, परसेंट डी डबल क्लोज क्लोज कॉमा, क्या करना है प्रिंट, रोल नंबर, कैसे करूँगा प्रिंट, नंबर डॉट रोल नंबर, रोल नंबर, है कि नहीं। आई जी सर, कैन से हियर रोल नंबर इज इक्वल व्हाट एवर, इससे ये में शॉर्ट में S1 डॉट लिखना है ना सर आगे। एग्जैक्टली, कुछ गड़बड़ किया हमने कहीं पे, ठीक है। यहाँ पे क्या एरर है, स्कैन एफ परसेंट कैन परसेंट F% D
प्रिंट ऑफ एंटर रोल नंबर, ये क्या है, एरर क्या दिखा रहा है? नंबर क्या? अच्छा रोल नंबर कोई नहीं है, नहीं ना, एन कैपिटल है। ये कह रहा है कि स्ट्रक्चर को कोई रोल नंबर नहीं है, इट इज एन कैपिटल रोल नंबर, एनओ। ठीक ओके सर, है, नेम कर दो जुनैद भाई साहब रोल नंबर, फॉर एग्जांपल एंटर रोल नंबर 12, तो जुनैद रोल नंबर 12 इसने दे दिया आराम से। ठीक है, अब ये तो पता है, तो सी का मसला है, तो कुछ मसला ही नहीं है, ये तो आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी। अब मैं, मुझे पता है कि आपको पता नहीं है, तो इससे मैं बता रहा हूँ। अब दूसरी बात है कि मैं अब पॉइंटर बनाना चाहता हूँ, क्या बनाना चाहता हूँ, पॉइंटर। तो पॉइंटर में मैंने आपसे ये कहा कि भाई साहब अगर हमारे पास एक इंटीजर, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर वेरिएबल ए है, ठीक है, उसमें 40 बैठा है, और इसका कुछ खुद का कुछ एड्रेस होगा, फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस है 2424 फॉर एग्जाम्पल। अब मैं इस इंट का एक एस्ट्रिक पीटीआर पॉइंटर बनाता हूँ, एंड आई एम सेइंग अगर मुझे इस पीटीआर में डालना है ए का एड्रेस, तो क्या कहूंगा, पीटीआर इज इक्वल टू एड्रेस डालना है ए का, एड्रेस एम परसेंट ऑफ ए, एम एम परसेंट ऑफ ए, ड्रॉप द एड्रेस ऑफ ए इनटू पीटीआर। ठीक इनटू पीटीआर। है ना, तो व्हाट विल बी इन जी पीटीआर, सर, व्हाट विल बी इन पीटीआर, एड्रेस व्हाट इज दैट, 2424। 2424, सो पीटीआर विल हैव 2424, सिंपल एज इट इज। नाउ इफ आई हैव टू एक्सेस ए 40, दिस 40 व्हाट इज इनसाइड, दैट मींस पीटीआर इज नथिंग बट पॉइंटिंग टू ए, राइट। जी सर, सो इफ आई हैव टू एक्सेस 40 यूजिंग ए, आई कैन से डायरेक्टली ए, बट इफ आई हैव टू एक्सेस 40 यूजिंग पीटीआर, हाउ कैन आई एक्सेस इट, यूजिंग द एस्ट्रिक एस्ट्रिक पीटीआर, दैट इज वैल्यू पीटीआर एट एड्रेस, वैल्यू एट एड्रेस एड्रेस, एड्रेस। जनाब जो ये पीटीआर एड्रेस है उस, यानी कि 2424, उसमें देखो वैल्यू क्या बैठा है, उसमें 40 बैठा है। ठीक है ना, वही चीज हम करने जा रहे हैं अब इस स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है ना, वही जी सर, चीज हम करने जा रहे हैं किसके साथ, इस स्ट्रक्चर के इस साथ। ये स्ट्रक्चर पहली के बात, साथ। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट आपको दिखा दूं, पहली बात, ये जो ये स्ट्रक्ट है ना, ये जो है ये स्ट्रक्ट, ये ऑप्शनल है, लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये जी पता ही है सर, स्टूडेंट स्ट्रक्चर टाइप है, स्ट्रक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये फिर भी चलेगा, अगर मैं इसको रन करूंगा इट विल वर्क फाइन, ठीक है ना। जी सर, नाउ मैं चाहता हूँ कि मैं ये स्टूडेंट भी ना लिखूं, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ मैं स्टूडेंट भी ना लिखूं, सिर्फ एस वन लिखूं, तो उसके लिए मेरा, मेरे पास एक तरीका है कि आप ऐसा मत करो, आप एस वन को इसकी गोदी में बिठा दो, अब स्टूडेंट बोलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये गोदी में ही है, अगर बच्चा किसी माँ की गोदी में, उसको पता ही इसी का बच्चा है ना, उसके साथ टैग लगाने की जरूरत नहीं है कि ये फलाने का बच्चा है, क्योंकि उसी की गोदी में बैठा है, एग्जैक्टली अब एस वन जो है स्टूडेंट स्ट्रक्चर के गोदी में बैठा है ना, तो अब इसको आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है कि जनाब ये जो एस वन है ये ऑफ टाइप स्टूडेंट है, तो पता ही है, यानी कि अब आप इसको रन कर देते, देयर इज नो प्रॉब्लम इश्यूज व्हाट्स कर, ठीक है ना। अब अगर मैंने एक और चीज की इसमें ट्विस्ट एक और कर दिया, कि मैंने यहाँ पे टाइप डेफ लिख दिया, अब नहीं चलेगा, अब मैं चलाऊंगा तो अब परेशानी है, ठीक है, अब बोलेगा ये एस वन क्या है, अबे टाइप डेफ से क्या हो गया, ये आपको सी में पढ़ा होना चाहिए, लेकिन मैं फिर से बताता हूँ आपको ये टाइप डेफ है क्या। टाइप डेफ एलियस है, क्या है, जैसे मेरा नाम जुनैद है, मुझे अक्सर लोग जुनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जुनी, मगर है कौन है जुनी, है कौन, जुनैद, जुनैद सर ही है ना, जुनैद है कि नहीं, तो अगर मैं इसी तरह से सर, टाइप डेफ करूंगा, क्या करूंगा, टाइप, टाइप टाइप डेफ, मैंने करेक्टर, डेफ। करेक्टरों में को मैंने जुनी कह दिया कि भाई साहब टाइप डेफ कैरेक्टर जूनी, दैट मीन्स कैरेक्टर का दूसरा नाम पड़ गया जूनी, ठीक है, जी यानी कि सर, अगर मैं ऑफ टाइप जूनी एक वेरिएबल बनाऊंगा सी एच, और उसमें डालूंगा एक कैरेक्टर, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी बिकॉज जूनी इज सेम एज दैट ऑफ कैर, हाँ समझ में आई, या फर्ज कीजिए मैंने इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर को बोला जूनी, अब मैं इसमें डाल रहा हूं यहां पे, ये ए भी चलेगा क्योंकि बिकॉज ए इज एस की, फॉर एग्जाम्पल 10, तो मैंने 10 डाला, इसको कोई इशू नहीं है, इसको प्रिंट एफ अगर कोई मैं करूंगा, इशू प्रिंट नहीं। एफ बैक स्लैश एन परसेंटेज डी डबल क्लोज कॉमा,
और जनाब मैं प्रिंट करने जा रहा हूँ बैक स्लैश यहाँ पे भी मैं प्रिंट करने जा रहा हूँ सी एच, तो ये आराम से 10 बोलेगा भाई साहब, कोई मसला नहीं है, 10 प्रिंट होगा आराम से, क्योंकि जो जूनी है वो कुछ नहीं, वो इंटीजर इंटीजर ही टाइप है, क्योंकि जूनी पड़ गया दूसरा नाम किसका, जुनैद नहीं का इंट का, इंट। अच्छा वो तो क्या रियल टाइम है, मैं यहाँ बता रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे किया, जो मैंने जूनी ओके यहाँ पे सर। कर दिया, जूनी मैंने दूसरा नाम रख दिया इंट किसका, इंटीजर का किसका, दैट्स कॉल्ड एलियस, व्हाट इज दैट कॉल्ड, क्लास एलियस। में आ रहे हैं, दैट्स जी सर। कॉल्ड एलियस, मैंने इस इंट का एलियस बना दिया, वही चीज यहाँ पे हो गई, यानी कि एक एक चीज जो है यहाँ पे हो गया कि जूनी इज द डेटा टाइप, जूनी इज व्हाट, डेटा टाइप एग्जैक्टली डेटा हाँ ये हम इसलिए करते हैं टाइप। ताकि अगर अगर यहाँ पे तो हम नहीं करेंगे, इंट ऑलरेडी शॉर्ट है तो इसको मैं क्या दूसरा नाम कर दूं, लेकिन अगर मेरा बड़ा सा डेटा टाइप है मैं चाहूंगा कि मैं इसका छोटा सा नाम रखूं, ताकि जी सर। कोडिंग में अब जब मुझे ये डेटा टाइप इस्तेमाल कर रहा हूं तो मेरा छोटा नाम आ जाए, है ना। मैं जी सर। हिंट दे रहा हूं आपको कि अगर मेरे पास, अभी मैंने आपसे कहा कि जो मेरा लिंक्ड लिस्ट होता है उसमें डेटा पार्ट होता है और क्या होता है लिंक लिंक्ड पार्ट, पार्ट होता है। है ना, लेकिन लिंक किसको पॉइंट कर रहा है, द नोड ऑफ द सेम टाइप, नोड ऑफ द, सेम टाइप तो लिंक का डेटा टाइप वही होना चाहिए जो इस जो नोड का दूसरे। डेटा टाइप हाँ है ना। अब एग्जैक्टली जो भी इसका जी डेटा टाइप है सर। वो अभी अभी देखेंगे हम, जो भी इसका डेटा टाइप है, व्हाटएवर द डेटा टाइप इज, मैंने उसको टाइप डेफ कर दिया टू द एल एल, सो व्हाटएवर द डेटा टाइप वाज ऑफ दिस नोड आई हैव क्रिएटेड एन एलियस, एक शॉर्ट नेम ऑफ एल 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 एल, दैट मीन दिस जी लिंक सर। हैज टू बी ऑफ व्हाट टाइप, एल एल सिंपल राइट। जी सर। सो जी सर। वही चीज मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाने की, जब मैंने टाइप डेफ किया इसको स्ट्रक्ट स्टूडेंट को और मैंने एस वन यहाँ पे लिखा, ये एस वन अब वेरिएबल नहीं है, ये एस वन अब वेरिएबल, नहीं है सर, ये क्या है, स्ट्रक्चर है ये एलियस है एलियस सॉरी किसका, स्ट्रक्ट स्टूडेंट का, स्ट्रक्चर स्टूडेंट तो का। जहां आप स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिख रहे थे यहां पे, ओके उसकी जगह जी आप क्या सर लिख सकते हैं, आप एस एस वन, अब मुझे वन फर्ज में मैं बोले एसटीआरएस का, ठीक है, या फर्ज कीजिए ये मेरा जी लिंक्ड सर। लिस्ट है, ये मेरा लिंक्ड लिस्ट का डेटा टाइप एल एल जी है ना, सर। तो जो हाँ तो जनाब नीचे। एलएल, एलएल जो है एलएल कुछ और नहीं है, ये क्या है, ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट ही है, लिंक्ड लिस्ट मैं इस स्ट्रक्ट ना स्टूडेंट की एग्जैक्टली जगह क्या लिख सकता हूँ, एलएल एल एल। टाइप एस वन, तो एलएल जो मेरा है वो कुछ और नहीं है बल्कि यही स्ट्रक्ट स्टूडेंट है, क्योंकि इस स्ट्रक्ट स्टूडेंट का दूसरा नाम पड़ गया एलएल, एलियस एलियस, एल एल जुनैद का जुनी, एलियस जुनैद का जुनी ओके एलियस जी। है, इसी तरीके से इस स्ट्रक्ट स्टूडेंट का स्टूडेंट का दूसरा एल एल नाम बन पड़ गया, गया क्या पड़ गया, एल एल एल, एल। बस हो गई क्या, सर पता नहीं कहाँ गई, वो इधर ही रासिबा है आर यू वहां। देयर, सो नो एल सर एल, सॉरी मुझ में हो गया। हाँ आप, आपको समझ आ रहा है बेटा, तो जी सर। एल एल जो यहां पर है, तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो इसमें एरर है क्या, अभी नो सर। सर बिल्कुल बिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एस वन मैंने खड़ा कर दिया, जो कि जो मैं एस वन कर रहा था, ये एस वन मैंने ऑफ चलो टाइप क्या कर सर। दिया, एल 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 कर दिया, ऑफ टाइप एल 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 कर दिया ना, ऑफ टाइप एल एल कर दिया जी मैंने, सर। तो अब अगर मैं रन करूंगा वो मसला नहीं, ये सेम है, क्योंकि आप स्ट्रक्चर स्टूडेंट एस वन कहो या आप एल एल टाइप एस एल वन एल कहो, इट बताओ वन इज द सेम थिंग। इज वन एंड द सेम थिंग एज एल एस, दैट्स राइट। अब मगर दूसरी ट्विस्ट में करता हूं, मैंने आप दिया इस स्ट्रक्चर का क्या बनाया मैंने, तो पॉइंटर राज सेवा आप बताओ मुझे इस पॉइंटर का डेटा टाइप है क्या, एलएलपी एग्जैक्टली मगर एलएल खुद है क्या, स्टूडेंट स्टूडेंट, तो जो ये स्टूडेंट किधर गया है, नॉनसेंस, नीचे चला गया,
मैं किस पे दिखा रहा था? अच्छा ये सी पे दिखा रहा था। ये जो जनाब जो एल एल असल में स्ट्रक स्टूडेंट है ना, तो जी सर, एग्जैक्टली स्ट्रक स्टूडेंट तो असली डेटा टाइप है ना, सर, जी तो जो आप कल को नोड बनाओगे वो यही होगा ना स्ट्रक स्टूडेंट, सर, जो हम ढूंढ रहे थे कि वो ऑफ जो लिंक मेरा लिंक पार्ट जो पॉइंट करेगा वो होगा क्या, यही स्ट्रक स्टूडेंट होगा। कोर्स जी सर, ओनली फर्क यहाँ पे होगी जो डेटा पार्ट, मैंने फिलहाल इसमें डेटा रखा खाली, ठीक है ना, इसमें एक और पार्ट ऐड करना है, वो लिंक पार्ट ऐड करना है अच्छा जो कि दूसरे बंदे को पॉइंट सर, करेगा, क्योंकि कभी क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ खाली डेटा है, कैरेक्टर और नेम जो भी है, रोल नंबर एंड नेम है ना, उसका लिंक लेकिन पार्ट नहीं है, अगर लिंक पार्ट भी ऐड करना पड़ेगा। उस लिंक का डेटा टाइप सेम कैसा डेटा होगा, टाइप, तो मैं अगर सेम डेटा लिंक टाइप ऑफ लिंक कहूंगा, क्या वो नॉर्मल वेरिएबल होगा या पॉइंटर वेरिएबल होगा? सर, जो इसका पॉइंटर डेटा टाइप होगा वेरिएबल। वो दूसरे का भी होगा, नहीं, पहले पहले डेटा टाइप छोड़ो, मैं पहले बताऊँ ये नॉर्मल वेरिएबल होगा या पॉइंटर वेरिएबल होगा। पॉइंटर पॉइंटर पॉइंटर। जिस तरह यहाँ पे मैंने इस स्ट्रक्चर का S1 बनाया, नॉर्मल वेरिएबल बनाया, ये दूसरा बंदा बनाया, ये पॉइंटर वेरिएबल बनाया। ये जो S1 है ये सीधे मुझे लगेगा जरूरत डेटा को एक्सेस करने में, लेकिन PTR जो है उसमें मैं नेम वगैरह इनके साथ नहीं कर सकता, मुझे PTR में एड्रेस डालना है किसका, जी सर, ऑफ टाइप लाइक S1 का, नेक्स्ट। जैसे मेरे इन टाइप ए है और एस्ट्रिक PTR है, ए में मैं वैल्यू डाल सकता हूँ ना 10 वगैरह, तो PTR में वैल्यू डालूंगा क्या? PTR नो सर, एड्रेस में मैं एड्रेस डालूंगा जो सेम डेटा टाइप का होगा, एक जिस जिसका PTR डेटा टाइप जिसका है उसी डेटा टाइप का जो वेरिएबल है ए, उसका एड्रेस एड्रेस ऑफ ए में डाल सकता हूँ PTR में। इसी जी तरीके सर, से यहाँ पे सेम सेम थिंग है, जो ये PTR है इसका डेटा टाइप है LL, अब LL कुछ और नहीं है वो स्ट्रक्ट स्टूडेंट है, ठीक है, और S1 का भी डेटा टाइप LL है। S1 एक नॉर्मल वेरिएबल है, PTR पॉइंटर वेरिएबल है, दिस PTR कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ S1। एग्जैक्टली सिमिलरली दिस लिंक पार्ट जो इस स्ट्रक्चर का लिंक पार्ट होने वाला है, इट कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ सेम डेटा टाइप, सेम डेटा दैट टाइप, मीन्स इस एग्जैक्ट। लिंक का डेटा टाइप भी स्ट्रक्ट स्टूडेंट ही होना चाहिए। इस लिंक का भी क्या डेटा टाइप होना चाहिए? स्ट्रक्ट स्टूडेंट। सेम डेटा अब हम टाइप है LL जी नहीं कह सर। सकते, अब हम LL नहीं कह सकते क्योंकि ये इसके अंदर ही है ना, LL बाहर बाहर के लिए है, LL एलियस स्ट्रक्चर के बाहर के लिए है, क्योंकि ये जो लिंक पार्ट है ये अच्छा स्ट्रक्चर के अंदर ही डालना है हमें, ठीक है ना, जी सर, क्योंकि जो मेरा ये डेटा पार्ट होगा इसमें डेटा पार्ट है और यहाँ से ये लिंक पार्ट है जो कि दूसरे बंदे को पॉइंट करेगा, जो कि ये मोबाइल फोन है, इसी किस्म का मोबाइल फोन दूसरा है